सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय एकता की बात होती है तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले आता है। सरदार पटेल एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल कम बोलते थे, काम अधिक करते थे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहरभाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने समय के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सरदार पटेल भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक थे जिनमें देश सेवा, समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। सरदार पटेल अपनी दृढ़ता, विश्वास, स्वाभिमान, देश के लिए प्यार, काम के प्रति लगन की वजह से वे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सन 1930 के नमक सत्याग्रह को सफल बनाने में सरदार पटेल का बड़ा योगदान है। बारलोली सत्याग्रह आंदोलन की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के अद्भुत शिल्पी थे जिनके हृदय में भारत बसता था। उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनके इन्हीं कार्य के कारण उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा देश को एक सूत्र में पिरोने वाले इस महान नेता के लिए एक उचित सम्मान है। सरदार पटेल की जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक रही है। उन्हें मृत्यु के बाद 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 15 दिसंबर 1950 को भारतीय जन जन का प्यारा यह लौह पुरुष हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। अपने महान कार्य और अखंड भारत के निर्माण के लिए सरदार पटेल का नाम सदैव याद किया जाएगा।